कैथल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस भी उनके आतंक से अछूती नहीं बची है। आपको बता दें कि कैथल में फिल्मी अंदाज में बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक जींद रोड बाईपास पुलिस नाके पर तैनात एएसआई की शिकायत के अनुसार उसे वीटी के माध्यम से रात 10 बजे सूचना मिली कि सिल्वर रंग की इनोवा गाड़ी में चार युवक आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से खनोरी रोड की तरफ आ रहे हैं। इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करना शुरू किया। इसी दौरान खनोरी की तरफ से आ रही इनोवा गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की गई, तो गाड़ी के चालक ने रुकने के बजाय स्पीड को बढ़ा दिया और पुलिसकर्मी को कुचलने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ड्राइवर करनाल बाईपास की तरफ फरार हो गया। इसके बाद पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। रात चार लड़के संदिग्ध गाड़ी में इनोवा गाड़ी में घूम रहे थे, ठीक है। पुलिस ने उनको उनके पीछा किया, जींद बाईपास नाका तोड़ के भागे वो। हमारे कुछ तीन जवान थे वहाँ पे, वो बाल बाल बचे, उन्होंने नाका तोड़ के भाग गए और कुछ देर बाद वो पकड़े गए। आपने कहा कि बाल बाल बचे, ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने रोकने की कोशिश की, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी तो वीटी हुई थी। भाई चार लड़के इनोवा गाड़ी में घूम रहे हैं, नौजवान लड़के, भाई कोई वारदात करने की फिराक में है, आवारा किस्म के हैं, तो उन्होंने नाका पे रोकने की कोशिश की तो नाका तोड़ के भाग गए वो, बैरिकेड तोड़ दिया था तो वो बाल बाल बचे चोट लगने से। कितने पुलिसकर्मी थे जो नाका रोकने में? तीन थे। तो आगे की कार्रवाई क्या चल रही है? आगे मुकदमा दर्ज कर लिया गया इनके खिलाफ और आगे की तफ्तीश जारी है। पता लगा कौन लोग थे, कहाँ के थे? कुछ तीन लड़के बोपुर अंदाणा गाँव है खनौरी में, वहाँ के थे। एक लड़का प्रॉपर खनौरी का था, तीनों लोग वाल्मीकि से संबंधित हैं। तो कोई वारदात वगैरह अंजाम देने के चक्कर में थे या वैसे ही घूम रहे थे? नहीं, कोई वारदात अंजाम देने की कोशिश में थे। तो कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ? नहीं, अभी कोई हथियार वगैरह बरामद नहीं हुआ। अभी नहीं पकड़े गए? नहीं, हथियार नहीं पकड़े गए, हथियार नहीं है, हथियार वाली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। तो अभी तो तीस जारी है, नहीं पिछला रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी नहीं है। शंका किस बात की थी? कोई सूचना थी आपके पास, क्या था? नहीं नहीं, नॉर्मल बीट ही आ गई कि चार लड़के इनोवा गाड़ी में इधर उधर घूम रहे हैं, तो शक थी किसी ने तो इनके पीछे गाड़ी लगाई पुलिस ने, तो ये ज़्यादा स्पीड में भागे। जैसे भी खनौरी बाईपास नाका इन्होंने क्रॉस किया, तोड़ा, तो उस समय लगे हुए संदीप कुछ वारदात करने के इंजाम में है ये, तो हमारे पुलिसकर्मियों को भी धक्का मार के गाड़ी का बैरिकेड तोड़ दिया तो वो बाल बाल बचे चोट लगने से। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश करने वाले चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान खनौरी के रहने वाले मीता और पंजाब के अंदान के रहने वाले विकास और राहुल और दीपक के तौर पर हुई है। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।